नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सबका स्वागत है सुप्रियामोला क्लास में। चलिए, जैसा कि आज हम लोग का जो है ना यह वास्तविक संख्या का चैप्टर खत्म होने जा रहा है, आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जितने भी सब्जेक्टिव था हम लोगों ने बना लिया, अब इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे लाइक भी कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा। तो फिलहाल के लिए शुरू करते हैं वीडियो। आइए, मेरा प्रश्न मेरे हाथ में है और आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मैं बिल्कुल इजी तरीके से बहुत ही आसान से आपको जो है ना मैं मेल बता रहा हूँ, कोई हड़बड़ नहीं करता हूँ, ठीक है। भले वीडियो मेरा एक दो और अधिक क्यों ना बन जाए, लेकिन मैंने बिल्कुल आराम से एकदम अच्छे से, जैसे कि मैं ऑडियो को पढ़ाता हूँ उस तरह से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए, यह हमारा जो होना यह हमारा होगा पार्ट 9 होगा। पार्ट 8 तक तो हो चुका था, पार्ट मेरा क्या होगा 9 होगा। तो चलिए, प्रश्न संख्या पहला है जिसे आप देख रहे होंगे। पहला प्रश्न है, 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 आ जाए और शेष 2 प्राप्त हो। यानी कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल आ जाएगा 12 और नीचे जो शेषफल आता है वह कितना आ जाएगा 2। किस संख्या से विभाजित करें, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कभी इसे मान लिया कि x से विभाजित करेंगे तो भागफल आ जाएगा 12, शेषफल आ जाएगा 2। तो हम लोग जानते हैं कि भाज बराबर यानी कि 278 बराबर भाजक गुना भागफल यानी x गुना कर देंगे 12 और प्लस शेषफल 2। 278 इधर लेंगे तो -2 हो जाएगा, इधर है x गुना 12 घट जाएगा तो 200 हो जाएगा आपको 76, ये गुना में है आ जाएगा भाग में, बराबर बचेगा x। तो 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, तो इसलिए एक्स बराबर कितना गया 23, यानी इसका आंसर आ जाएगा 23। यानी कि 23 एक ऐसी संख्या है जो 23 से 278 में भाग देंगे तो भागफल आ जाएगा 12, शेषफल आ जाएगा 2। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न अगला है कि जब 43 से 1365 में भाग देने पर शेष 32 हो तो भागफल क्या होगा। ये प्रश्न है कि जब 1332 में सॉरी 1365 में 1365 में 43 से भाग दिया जाए तो भाग देने पर शेष आ जाता है 32, तो भागफल क्या होगा। तो मान लिया भागफल कितना होगा, एक्स आएगा, कुछ तो आएगा ना। तो बहुत सही तरीका से, तो यानी कि 1365 भाज बराबर भाजक गुना भागफल यानी कि 43 गुना एक्स जोड़ शेषफल 32। तो 1365 इधर लेंगे 32 को माइनस हो जाएगा 32 प्लस है यहाँ 43 गुना एक्स घटा देंगे तो हो गया यहाँ पे 3, 6 में गया 3 तो आ जाएगा आपका 3, यहाँ पे 3 फिर 1, ये गुना में है आ जाएगा भाग में 43। तो कितना बार में मान लिया इसे भाग नहीं दे सकते हैं तो क्या कर दीजिएगा, 43 भाग कर दीजिए ना, तो जाके हो गया 4 × 3 = 12, 3 बार में 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12, 9 × 4 = 13 खत्म हो गया 3, 43 से कम 43, तो यानी कटाने पर आपका आ जाएगा कितना 31, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 31, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में मेरे को आराम से पढ़िए, कोई हर बार नहीं है, ज्यादा हर बार कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सीखने से मतलब है, हम लोग को सीखना है। लाइट कम कर देते हैं, चलिए अब शायद नहीं चलता होगा। प्रश्न संख्या 3, 3 में है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कथन को लिखे। तो दोस्तों, मैंने जब वीडियो शुरू किया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसमें यहाँ मैंने परिभाषा लिख दिया था, अब जाके वहां देख सकते हैं पार्ट 1 या सेट 2 में होगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। वह कौन सी संख्या है जिसमें 87 से विभाजित करने पर भागफल 15 शेष 2, यानी कि वह कौन संख्या है जिसमें 87 से विभाजित करने पर आपका भागफल आ जाता है, भागफल 15 आ जाएगा और नीचे जो शेषफल जो बचता है वह शेषफल 5 है। तो मान लीजिए वह संख्या कितना है x, x या आप ये भी मान सकते हैं, सिर्फ मतलब है निकालने से, ऑब्जेक्टिव है ना,
तो मान ले एक्स कोई संख्या है, एक्स में 87 से भाग देते हैं तो भागफल 15 आ जाता है और शेषफल 5 आ जाता है, तो वो संख्या क्या होगा? तो एक्स बराबर यानी कि भाज बराबर भाजक, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, तो आपको यह संख्या निकल जाएगी। तो 15 5 हो जाएगा 15 7 105 बच गया 10, 15 8 120 और 10 130 प्लस है 5, 5 5 10 की 0 1 3 1 1310 आपका वह संख्या है। बोलो आंसर, आप आंसर भी दे सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5, 5वें प्रश्न है, दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ए बी का एलसीएम गुना एलसीएम का मान क्या होगा? तो ए बी का हमारा जो ए बी का एलसीएम जो आता है वह आता है 1, और एलसीएम जो आता है वह आता है ए गुना बी। तो बोलता है क्या, एचसीएफ गुना एलसीएम यानी बोलता है एचसीएफ गुना एलसीएम बटे ए बी का मान क्या होगा? तो एचसीएफ हमारा 1 और एलसीएम हमारा ए गुना बी है और नीचे ए बी है, तो आपका ए बी गुना में खत्म हो गया, बचा कितना 1, तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या अब 6 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 में है, 6 का प्रश्न है, 15/24 का दशमलव प्रसार शांत है या नहीं, कटा के देख लीजिए हर को। तो 15 3 2 2 2 4 8 8 24 आपका आ जाएगा, 3 1 3 3 5 15 आ गया 5/2 2 × 2 × 2, तो हर में आ गया 2, इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा दोस्तों। इसको कटा के देखना है, ठीक है ना, तो आप बोल दिया कि अशांत है, ठीक है ना, ये कटा के देखना है, जब विभाजित होता है तो भाग देके ही लिखना है ना। चलिए प्रश्न संख्या 7 में आ गए हैं, 7वें प्रश्न है, बताइए कि 25/48, 25/48 का दशमलव रूप शांत है या आवर्ती है, अशांत है, ठीक है, तो देखते हैं। सेम सवाल था, इसको तोड़ दीजिए हर को, यहाँ 4 है, 2 2 4 2 6 8, 2 1 4 2 6 12, 2 3 6, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3, यह कटता भी नहीं है, तो देखिए 2 के अतिरिक्त हमारा 3 आ गया है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, 8 नंबर में है, बताइए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग एक परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या? तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या होता है? तो देखिए एक परिमेय संख्या ले लिया गुना रूट टू, और एक ये अपरिमेय संख्या ले लिया, एक परिमेय कुछ भी ले लेंगे, तो यह जोड़ने पर क्या आ जाता है, यह हमारा अपरिमेय संख्या है, या फिर रूट टू प्लस टू, एक अपरिमेय एक परिमेय का जोड़ जो है ना हमेशा क्या होता है, अपरिमेय, कोई भी संख्या ले लीजिएगा, एक अपरिमेय एक परिमेय, यानी कि एक परिमेय अपरिमेय या अपरिमेय परिमेय बोल सकते हैं, तो उसका योगफल जो होता है हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, किसका आंसर क्या आ जाएगा, अपरिमेय। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है, 9वें प्रश्न है, बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य, सत्य है या असत्य है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी अपरिमेय होता है? बोलता है कि दो अपरिमेय का गुणन भी अपरिमेय होता है, दो को अपरिमेय देखिए रूट टू अपरिमेय है, फिर रूट टू अपरिमेय कितना हो गया, परिमेय, देखिए रूट टू अपरिमेय या रूट थ्री अपरिमेय, रूट सिक्स, यानी कहने का मतलब हुआ कि दो को अपरिमेय का गुणनफल करेंगे तो कभी आएगा परिमेय तो कभी आएगा अपरिमेय। तो कथन में क्या कहता है कि बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य है, यानी नीचे लिखा गया कथन सही है कि नहीं है, कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी अपरिमेय होता है, नहीं होता है, दो अपरिमेय संख्या गुणनफल कभी परिमेय होता है तो कभी अपरिमेय होता है, लेकिन प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या अपरिमेय भी होता है, तो नहीं अपरिमेय नहीं होता, परिमेय भी तो होता है, इसलिए क्या होगा, कथन जो है ना असत्य हो जाएगा आपका।
प्रश्न संख्या 10 में है, बताइए कि 2 + √3 परिमेय है अपरिमेय है, आप जानते हैं तो हमारा अपरिमेय है, क्या है अपरिमेय है। प्रश्न संख्या 11 में है, 43/2 × 4 और 5/3 का दशमलव विस्तार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा, यानी कि जब इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे तो कितने अंकों के बाद जाएगा, वहां रुक जाएगा। तो बस सिंपल है, आप देखेगा कि जिसका पावर ज्यादा होता है उतने के बाद, पावर तीन पावर चार है, तो सबसे बड़ा पावर कौन है, चार है ना, इसका मतलब हुआ कि चार स्थान के बाद रुक जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, जितना अधिक रहेगा ना पावर बस उतना ही आपको बोलना है। अगर बोलेगा कि 5/2 × 2 × 5/7 कितने के बाद दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, तो आप बोलेगा कि 7 अंक के बाद, क्योंकि हर में जितना पावर अधिक होता है ना उतना ही के बाद क्या होगा, दशमलव प्रसार आपका शांत हो जाता है, रुक जाएगा। या फिर नहीं थी है तो आप क्या कर दीजिएगा, इसको ऐसे भाग दे दीजिएगा तो आपका जो है 4 अंक के बाद ही आके रुक जाएगा। प्रश्न संख्या 12 का प्रश्न है, संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल होगा। हम लोग जानते हैं कि HCF गुना LCM जो होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। तो आपको HCM LCM निकालना नहीं है, बल्कि जो संख्या दिया हुआ है ना 50 और 25 इसे गुना कर दीजिएगा, HCM LCM के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, 25 × 5 = 125 आपका आ जाएगा 1250 आंसर। प्रश्न संख्या 13 का प्रश्न है, 4/75 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, तो फटाक से जो है नीचे को तोड़ देना है, हर को तोड़ के देखना है आपको। तो 5 से तो हो गया 15 × 75, 5 या 15 आ गया आपका, 5 × 5 × 3 तो यह तो कट तो नहीं रहा है किसी से, ठीक है। उसके बाद देखिए कि हर में 2 और 5 होना चाहिए तब वो अशांत होता है, लेकिन हर में 5 तो है लेकिन 5 के अतिरिक्त 3 आ गया है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, यह अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 14 है, प्रश्न संख्या 14 में है, यदि भिन्न a बटे b हो और b में बोला गया कि b का मान जो है ना 2 का पावर n और 5 का पावर n के रूप का हो, तब a बटे b का दशमलव प्रसार होगा। ये अंश व या हर, यदि हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आता है तो क्या होता है, उस परिमेय संख्या क्या होती है, शांत दशमलव प्रसार होता है उस परिमेय संख्या का, ठीक है, तब कौन संख्या होगा, शांत हो जाएगा। इससे पहले हम लोग बनाए थे ना पी बटे क्यू, हम बोलते हैं कि पी बटे क्यू, तो क्यू जो आ रहा था 2 का पावर n 5 का पावर n, ये आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि हर जो हमारा 2, 5 में आता है ना वो क्या होता है, शांत। यहाँ पे ए बटे बी, बी हर हुआ और हर जो है ना 2 और 5 के रूप में दिखा रहा है और बोल रहा है कि ए बटे बी क्या होगा, शांत होगा। प्रश्न संख्या 15, तो 73/2 दिया गया है, 2 का पावर 4 × 5 का पावर 3 ये दिया गया है, का दशमलव विस्तार दशमलव के कितने स्थान के बाद शांत हो जाएगा, वही सवाल आ गया कितने स्थान के बाद। तो देखिए 3 और 4 पावर कौन बेसी, 4 है ना, यानी कि 4 स्थान के बाद क्या होगा, और रुक जाएगा, यानी कि अब शांत हो जाएगा, रुकना मतलब क्या हो, शांति ना हो गया,
आपका आ जाएगा इसमें चार स्थान के बाद। प्रश्न का 16 है 127/200, ठीक है। दशमलव प्रसार ज्ञात करें, आपको बताना है दशमलव प्रसार निकालना है, तो निकाल दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, दा भगा लगा दीजिए इसको 127 में, या 200 है या 127 है, 0.5 मारेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 6 दुनी हो जाएगा 12, 0 7 खत्म हो गया, दशमलव मार चुके 0 आ जाएगा, तो 2 3 6 0 0 1 दशमलव मार चुके 0 2 5 10, तो आपको यह तो आता ही होगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा 0.635। प्रश्न संख्या 17 में है, 17 का प्रश्न है 625 के अभाजनखंड में 5 का घात होगा, तो 625 का अभाजनखंड कर लेना है, देखना 5 का घात आपसे पूछता है, 5 का घात तो केवल 5 से ही भाग दीजिएगा, इससे मतलब नहीं है, केवल किससे 5 से, और आपसे पूछता कि 2 का घात तो केवल 2 से भगा देते हैं, जिसका घात पूछेगा उसी से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, अधिक कहीं फायदा नहीं होने वाला है अपनों को, तो चलिए 5 क्या पूछा, 5 से विभाजित करेंगे, 5 के 5 5 9 10 और 5 25 25 5 7 5 25, तो देखिए 5 का 1 2 3 4, तो 5 का घात कितना हो गया, तो आपका जो है ना 5 का घात कितना हो गया, ये देखिए 4 घात आपका हो गया आंसर। चलिए अब हो गया आपका 18 होगा ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या अब आगे हम लोग 18 18 में है 156, बोलते 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, बस गुणनखंड कर देना, 2 3 4 2 8 16, 2 3 6 18 3 1 3 3 9, यानी 156 बराबर आ गया आपका 2 × 2 × 3 × 13, इसके लिए 2 का पावर 2, यहाँ 3 यहाँ पे 13, बस ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। अब चलिए प्रश्न 19 का प्रश्न है 2 √45 प्लस 3 √20 बटे 2 √5 को सरल करने पर परिमेय संख्या होगा अथवा अपरिमेय होगा, इसको हल कर लीजिए, अपरिमेय निकलेगा या अपरिमेय निकलेगा बाद में देखा जाएगा, फिर इसको हल तो कर लेते हैं, इसको हल करते हैं 2 √, इसको तोड़ेंगे तो 3 3 9 9 5 45, यहाँ 3 है इसको तोड़ेंगे 2 2 4 4 5 20, तो 2 √5, तो 2 यहाँ गुना है इससे, एगो 3 हो जाएगा बाहर, अंदर में रह गया एगो 5, 3 गुना है तो गुना रहता है, यहाँ से वो 2 बाहर तो लग गया अंडा में कितना 5, तो आपका आ गया 3 × 6 √5 प्लस 3 × 6 √5 2 √5। तो देखिए √5 हो गया 12 √5, नीचे है 2 √5, आपका √5 खत्म, 2 6 12 रह गया 6, और 6 कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, हो गया। चलिए अब प्रश्न संख्या 19 हो गया, आप चलते हैं प्रश्न 20 की ओर, 20 का प्रश्न आपके स्क्रीन पर सामने है, सब प्रश्न आपको जो ना अच्छा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 तथा 404 का महत्व ज्ञात करें एवं उनके उससे उनका लॉस ज्ञात करें, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा
छियानवे का और 404 का निकालना है पहले म स, फिर उसी का सहायता से आपको निकालना है ल स। तो चलिए निकालते हैं। बोलते हैं आवाज में खंडन, दो चौक आठ, दो तीन सोलह, दो दुने चार, दो चौक आठ, दो दुने चार, दो चौक बारह, दो तिया छो। तो छियानवे बराबर आ गया आपका दो गुना दो गुना, तो सीधा सीधी लिख सकते हैं ना, एक दो तीन चार पांच। चलिए फोन वगैरह आ जाता है। तो एक दो तीन चार पांच का पावर पांच और यहाँ तीन, इसको कर दीजिए 404 को दो दुनी चार जीरो, दो एक जीरो तो नहीं खाएगा, तो 404 बराबर आ गया दो का पावर दो और 101। अब बोलता है क्या, अभाग गुणन खंडन विधि द्वारा 96 तथा 404 का मौसम ज्ञात कीजिए। इसलिए मौसम निकाल लेते हैं, म स, जो सबसे दोनों में जो मिलेगा जो बड़ा घात होगा, दोनों में दो दो मिल रहा है, बड़ा घात कौन है, दो का पावर है पांच, इसे गुना कर दीजिए, तो दो गुना दो गुना दो गुना दो पांच वाले सकते है ना, हम डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, आपको समझाने लिखते हैं, दो दिन चार चलते हैं आठ, नौ सौ नहीं 32, तो आपका मौस आ गया 32। अब बोलता है कि इसी का सहायता से जो है ना, उससे मतलब जो निकला हुआ मौस, मौस निकले लॉस, यानी कि लॉस जो होगा आपका होता है संख्या का गुणनफल 96 गुना 404 बटे होता है मौस 32। तो 32 से कम 32, 32 दुनी और 32 नहीं बल्कि 300, तो दो कम दो, दो छके 12, यहाँ पे दो दुने चार जीरो, दो दुने चार 16, छके 96, तो हो गया 6 दुने 12, 6 दुने 12, अब आ गया 12 12। चलिए लेकिन गड़बड़ हो जाता है बना होना, कितना 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 था, एक मिनट, 96 था ना, सॉरी यहाँ पे कटाने में से पता 96, दो चौक आठ, दो अठी 16, दो तुमने चार, दो चौक आठ, दो एक कम तुमने चार, दो छक 12, 96 है ना, आ दो या छो, तो 96 बराबर का हो गया दो गुना दो गुना दो, ये बोल सकते सीधा एक दो तीन चार पाँच का पावर पाँच गुना तीन, और 404 को तोड़ लीजिए तो हो गया 404 बराबर दो का पावर दो 101। पीछे फोन वगैरह आ जाता है, इसलिए मौस जो दोनों मिलेगा छोटा पावर, दो का पावर दो, दो दुनिया का होगा चार मौस। अब होता है इस मौस की सहायता से लॉस निकालिए, तो बस लॉस हमको लिखना है, होता है संख्या का गुणनफल होता है, मतलब समझते होंगे संख्या गुणनफल, तो यानी 96 गुना 404 और बटे मौस, ये तो खत्म हो रहा है ना, चार एकम चार जीरो, चार एकम चार, तो 96 गुना एक 96, 96 गुना एक 96, आपका आ जाएगा 96, 96 लॉस और मौस आ जाएगा चार। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, 21 21 में है 1/√2, एक डैश संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये तो आपको पता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस में पाई एक है, पाई एक आपका जो है ना अपरिमेय संख्या है, यदि पाई के साथ में कोई संख्या चाहे गुणा में रहे या प्लस में रहे या भाग में रहे या पाई के साथ माइनस में रहे, तो सब संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है, खाली पाई देख लीजिएगा ना, तो अपरिमेय आपका हो जाएगा। चलिए टेस्ट नंबर में है √3/√12, कौन संख्या है, तो √3, इसको कर दीजिएगा तो
तीन गुना दो गुना दो दो चार चार बारह, तो रूट तीन इससे गो दो आ गया बाहर, रह गया रूट थ्री। रूट थ्री ये कम रूट थ्री आपका हो गया वन बटे टू, आपका यह हो गया परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 24, 24 में देखिए 1.34 को परिमेय के रूप में लिखिए, कुछ नहीं करना है, दशमलव उड़ा के एक देखे, दशमलव के बाद जितना जीरो जितना अंक उतना जीरो, तो 134 बटे 100, तो 2 6 12 और 2 7 14 2 5 10 0 आप आ गए 67/50, आपका पी बटे क्यू यानी परिमेय संख्या का रूप हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 25 में है, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? नहीं दोस्तों, आपका सभी जो है ना वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती है। कहने का मतलब हुआ कि आपका रूट थ्री भी वास्तविक संख्या है और टू भी वास्तविक संख्या है। प्रश्न में कहता है क्या सभी वास्तविक संख्या जितने भी वास्तविक संख्या होते हैं, वास्तविक संख्या परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। बोलता है कि जितने भी वास्तविक मतलब क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय होती है? सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या जो है ना वास्तविक संख्या होती है। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। चलिए प्रश्न संख्या 26 में है, 26 में है सही शब्द या अंक से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1/√3 डैश संख्या है, आपको तो पता ही होगा अपरिमेय संख्या है भाई, क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये दोस्तों बस आज के लिए अरे है बता ही देते हैं, यह जो खत्म हो जाएगा तो ऑप्शन वाला बचेगा ना, उसको बाद में देख लेंगे। 11/15 का दशमलव प्रसार डैश होता है, तो देखिए 11/3 × 5 15 होगा, 3 5 आएगा तो आपको आ जाएगा आसान। चलिए 28 में है 3+√3 और 3 − √3 डैश है, तो a+b * a - b हो जाएगा a² - b² 3 का वर्ग 9 √3 का वर्ग 3 6, आपका यह हो गया परिमेय संख्या। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को इन करते हैं, अब बच गया ऑप्शन वाला, बच गया ऑप्शन वाला, देखते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सबसे ऑनलाइन क्लासेस को लाल बटन दबा के उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी यानी खुला रखेगा ऑन रखेगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा मेरा वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। दोस्तों आप फ्री हो जाइए, बिल्कुल मैं आराम से इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ और उसी तरह जैसे मैं बच्चे को कोचिंग में पढ़ाता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आता होगा, अगर आता होगा तो मेरे भाई थोड़ा लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आप आसानी से पढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।